तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल देने वाले हैं। दोस्तों अगर आप भी अच्छे से अच्छी वीडियो एडिट करना चाहते हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ऐसा वीडियो सिर्फ 2 मिनट में और वो भी अपने एंड्रॉयड मोबाइल से बनाकर सिखाने वाला हूँ। बट उससे पहले आप मेरा नाम भी जान लीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मित्र और आप देख रहे हो टेक्नो हेल्पर यूट्यूब चैनल। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आ जाना है और आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है पिक्सल फ्लो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस प्रकार का आपको एक एप्लीकेशन मिल जाएगा प्ले स्टोर पर, तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इस एप्लीकेशन को पहले से ही डाउनलोड किया है, तो मैं यहां से ओपन कर लूँगा। और दोस्तों इस ऐप को यूज़ करने के लिए आपको डेटा अपना ऑन रखना पड़ेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल 3D यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल फ्री आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं लॉक का आइकन बना है, इसका मतलब ये है कि आप अगर इस टेम्पलेट को यूज करना चाहते हो तो आपको इसके बदले में आपको पैसे देने होंगे। मतलब ये है कि आपको इनका प्राइम वर्जन जो है परचेस करना होगा, तभी आप इनको यूज कर सकते हैं। दोस्तों हम तो फ्री वाले हैं, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे फ्री टेम्पलेट देखने को मिल जाएंगे, तो आप उनको यूज कर सकते हैं। और दोस्तों जो आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था तो वो वाला टेम्पलेट आपको स्पोर्ट्स नाम के फोल्डर में देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर स्पोर्ट्स नाम का फोल्डर ढूंढ लीजिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यही वो टेम्पलेट है जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। तो दोस्तों अगर आपको ये वाला टेम्पलेट यूज़ करना है तो सिंपली इस पर क्लिक कर दीजिए, और दोस्तों क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा है स्विमिंग और उसके नीचे लिखा है यूअर टाइटल। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपना नाम भी डाल सकते हैं, अदरवाइज आपको जिसका नाम डालना है आप उसका नाम भी डाल सकते हैं बिल्कुल ईजीली से। तो दोस्तों नाम डालने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आप कुछ भी अपना नाम डाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर रॉयल डाल के आपको दिखा देता हूँ। और दोस्तों आप नीचे देख सकते हैं यूअर टाइटल लिखा है, तो इसे हटा के मैं अपना नाम डाल देता हूँ। आप यहाँ पर अपना नाम भी डाल सकते हैं। और दोस्तों नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको कलर का ऑप्शन मिल जाएगा, मतलब आप कलर चेंज भी कर सकते हैं। ये जो लाइन दिख रही है आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सरका के भी कलर चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको सरका से नहीं बन रहा है तो आप टैप करके भी यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हैं। तो सिंपली आपको किसी भी एक फेवरेट कलर को चूज कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर पिंक कलर चूज कर लेता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्केल का ऑप्शन आ जाएगा। तो दोस्तों इसका मतलब है आप अपनी फॉन्ट की साइज को घटा बढ़ा सकते हैं, छोटे से छोटा फॉन्ट कर सकते हैं या बड़े से बड़ा फॉन्ट की साइज को कर सकते हैं। और दोस्तों नीचे वाले दो ऑप्शन हैं पोजीशन के, मतलब ये है कि आप लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप अप डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सेंटर में रख देता हूँ। और नीचे जाएंगे तो भैया नीचे यहाँ पर कुछ देखने को नहीं मिलेगा आपको, तो आपको सिंपली क्या करना है बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है। दोस्तों बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर डायनेमिक लिखा है, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही डायनेमिक पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर बहुत सारे क्लिप देखने को मिल जाएगी, तो आप किसी भी एक क्लिप को यूज कर सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी क्लिप देखने को मिल जाएगी, जो आपकी फेवरेट हो आप उस क्लिप को यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने किसी भी वीडियो को बनाया है, अगर आप चाहते हो कि इसके बैकग्राउंड में हम यूज कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे, आइए मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों इसके साइड में वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, आपको इस पर क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद फ्रॉम इंटरनल पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों जस्ट आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी, तो आप अपनी किसी भी एक वीडियो को चूज कर सकते हैं जो आपको यूज करना हो। चलिए दोस्तों मैं यहाँ से किसी भी एक वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने जो यहाँ पर वीडियो लिया है कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही अट्रैक्टिव वीडियो लग रहा है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि अपनी किसी भी इमेज को यहाँ पर लगाएं बैकग्राउंड में, तो ये भी पॉसिबल है। आपको सिंपली इमेज पर क्लिक कर देना है और किसी भी एक इमेज को ऐड कर लेना है।
चलिए मैं जल्दी से आपको करके बता देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक इमेज को ऐड कर दी है दोस्तों, जो कि टेम्पलेट मेरे पास पहले से ही पड़ा था। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर कोई आप बैकग्राउंड में कलर लगाएं, जैसे कि ग्रीन कास्ट के लिए हो गया है, अगर आप ग्रीन कास्ट वीडियो बनाते हैं तो भी आपके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप चाहते हो कि किसी भी एक पर्टिकुलर कलर को लगाएं तो आप यहां सॉलिड पर क्लिक कर दीजिए। दोस्तों सॉलिड पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों यहां से आप किसी भी एक कलर को चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहां पर ग्रीन कास्ट वालों के लिए ग्रीन कलर को चूज़ करके बता देता हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छा यहाँ पर इंटरफेस हमें देखने को मिल जाता है। दोस्तों आप यहां पर साइड पर क्लिक करके और भी अच्छे अच्छे कलर को यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इंटरफेस लग रहा है। और दोस्तों अब बात आती है सेव करने की। वीडियो बना लिए, सब कुछ हो गया और यहां पर सेव करने, तो एक्सपोर्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर तीन प्रकार की वैरायटी देखने को मिल जाएंगी। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से पिक्सल सेट करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए मैं एग्जांपल के तौर पर 540 पिक्सल वाली वीडियो एक्सपोर्ट करके बता देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो नीचे ऐड आ रही है, तो ये फ्री ऐप है तो भैया यहाँ पर ऐड तो आएंगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो हैज़ बीन सेव्ड लिखा आ गया है, तो ये वीडियो आपकी गैलरी पर पहुँच जाएगी। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं इस वीडियो को टिकटॉक पर पोस्ट करें या अदरवाइज किसी भी सोशल मीडिया पर आपको पोस्ट करना है तो इजीली आप पोस्ट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर बाय। और हाँ, अपना प्यार इस चैनल पर बनाए रखना।